न्यायपालिका पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बीजेपी ने जिस प्रकार से देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म करने का काम किया है, अराजकता का एक माहौल जो बनाने का प्रयास किया है, संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाने का काम किया है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। पूरे देश और विश्व में इस बात की चर्चा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर जो मुकदमा करके उनकी सदस्यता खत्म की जा रही है, पूरे देश भर में सत्याग्रह आंदोलन इस समय चल रहे हैं, बहुत ही गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका जो है इस पर पूरी तरह से विचार करेगी और कांग्रेस पार्टी और समस्त विपक्ष दल जो है इकट्ठे होकर संविधान, देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा संघर्ष इस समय कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव कितना अहम मानते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सभी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में चुनाव इस समय उनकी घोषणा हो चुकी है, पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आज इस समय देश भर में लोगों का विश्वास देश के प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर से और बीजेपी से पूरी तरह से उठ चुका है। वो संवैधानिक संस्थाओं का सीबीआई का ईडी का दुरुपयोग करके लोगों को दबाकर राजनीति करना चाहते हैं। आम जनमानस जो है उनकी इस कार्यप्रणाली से पूरी तरह से दुखी है। कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है, जो बोलेगा उसको जो है उसके ऊपर कोई केस बनेंगे या कुछ है, ये लोकतंत्र में मैं समझती हूँ सबको आज़ादी होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तभी डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर दोनों लोग मजबूत होंगे तभी लोगों का सही ढंग से भला हो पाएगा। अगर विपक्ष आवाज़ नहीं उठाएगा तो निरंकुश तरीके से ही शासक जो है वो शासन करेंगे। ये लोकतंत्र में सत्ता चलाने का मैं समझती हूँ कोई सही तरीका नहीं है। भरे शब्दों में, इसकी कड़े शब्दों में बहुत ज़्यादा निंदा पूरे देश और विश्व में इस समय हो रही है। बेमौसमी बारिश से काफ़ी फसलें खराब, बेमौसमी बारिश ओलावृष्टि से जो बहुत ज़्यादा गेहूँ की सरसों की जो फसल बर्बाद हुई है, और पिछली बार जो बाढ़ की स्थिति की वजह से फसल बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा नहीं मिला है। हम चाहेंगे कि सरकार जो है स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे और लोगों को तुरंत मुआवजा दे। हमारे क्षेत्रों के साथ बीजेपी की सरकार ने हमेशा भेदभाव करने का काम किया है, क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया और उस समय जो है उनका पोर्टल चल नहीं रहा है। हमने कहा है, हमने प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है और मांग की है पोर्टल भी खोलें और जो रजिस्टर्ड किसान नहीं है उनको भी क्षतिपूर्ति पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाए और तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाकर किसानों को सब्सिडी भी दी जाए और उनको मुआवजा भी तुरंत प्रभाव से दिया जाना चाहिए। मैडम, सरसों की खरीद को लेकर काफी परेशानी हो रही है और ऊपर से आज से गेहूँ की खरीद भी शुरू होगी, उसको लेकर क्या? देखिए, गेहूँ की खरीद की बात कर रहे हैं, सारी की सारी अनाज मंडियों का हमने जाकर दौरा किया है, पानी से भरी पड़ी है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गेहूँ पर ओलावृष्टि की वजह से फसल, खड़ी फसल बर्बाद हो गई, तो मैं समझती हूँ किसान हमारा अन्नदाता आज के समय में सबसे ज्यादा दुख भरे दौर से इस समय गुजर रहा है। सरकार को उसकी सुध लेनी चाहिए, एमएसपी भी देनी चाहिए और गेहूँ और सरसों के अलावा हमारे क्षेत्र में विशेष तौर से बहुत सारे लोगों ने फल सब्जियां बोई थी, उन पर भी सरकार को पूरी तरह से मुआवजा देने का काम करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।